भले ही सरकारें विकास के तमाम बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। आज भी कई परिवार बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मजबूर हैं। टिंडोरी का नामदेव परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है जो इन बारिश के मौसम में भी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। सुरेंद्र नामदेव का परिवार वर्षों से एक झोपड़ी में रह रहा है। झोपड़ी की स्थिति ऐसी है कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। पहले तो झोपड़ी पूरी खुली हुई थी। जब लाडली बहना योजना के पैसे मिले तो परिवार ने तिरपाल खरीद कर झोपड़ी के ऊपर डाला, जिससे बारिश का पानी झोपड़ी के अंदर ना आए। सुरेंद्र नामदेव ने बताया कि जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलने वाले लाभ के लिए शासन प्रशासन के पास जाते हैं तो अधिकारीगण हमें भगा देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। सुरेंद्र नामदेव ने आगे बताया कि जब परिवार के लोग या रिश्तेदार आते हैं तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। योजना निकला है 2017 से, मैं डेली हमारे 2 महीना 3 महीना 15 दिन में आते जाते रहते हैं, बाकी कोई लाभ नहीं मिलता। जितने भी अधिकारी आए, नए आए, पुराने आए, सब यही बोलते रहते। जिला अध्यक्ष भी पहले पंकज उदास थे, माने पंकज के काम तो वो भी थे, तो वो भी बोल देते थे कि बस हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, मत परेशान हो। आज ये क्या नाम है, अभी लेडीज आई है बीजेपी, पहले कांग्रेस में थी, आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके पास भी कई बार गए, उनने कोई सुनाई नहीं दी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।